नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरुदेव शर्मा। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए जो हरा हरा सा दिख रहा है और मेथी, ये अपने जो ऑयल बनाया था मैंने आप लोगों के लिए बताया था, और जिसमें फोदीना था, हरा धनिया और मतलब अपने लहसुन के पत्ते थे, वही मैंने जो मसाला है उसको निकाल के और मेथी में भिजो के इसको पीस रही हूँ। ठीक है, इसमें आप चाहें तो अनियन भी डाल सकते हो भिजो कर। ठीक है, इसको एक नाइट के लिए भिजो कर रखें और फिर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, मतलब पीस लीजिए। और आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, और दही ऐड नहीं करना क्योंकि हमारे पास हरा धनिया है, इसमें प्याज के छिलके हैं, मतलब हरे प्याज के जो होते हैं ना वो हैं हरे वाले, और फुदीना है। तो ये ठंडक वाला पैक है, गर्मियों में बहुत ही अच्छा है, जो मैंने ऑयल में से मसाला निकाला है क्योंकि आप लोगों के लिए बताना भी था। आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते हो जिन्होंने ऑयल बना रखा है वो। ठीक है, अच्छे से इसको पीसने के बाद, ज़्यादा भी नहीं, जितना ये बनता है बस उतना ही इसको बनाना है और उतना ही आपको लगा लेना है इसे। ठीक है, इसे आप चाहें तो ऑयलिंग वाले बालों में भी लगा सकते हैं और धुले हुए बालों में भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे मैं ऑयलिंग वाले बालों में तो नहीं लगा रही हूँ, मैं धुले हुए बालों में लगा रही हूँ। मैंने पहले हेयर वॉश कर लिया था और फिर अपना हेयर प्रोटीन लगा के, और एक घंटा हो चुके हैं मुझे हेयर प्रोटीन लगा के, और मैंने हेयर प्रोटीन लगाया है अपना जो कलौंजी एलोवेरा वाला, मैंने आप लोगों के लिए हेयर प्रोटीन बताया था, मैंने वो लगाया है और उसको एक घंटे के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, और अब आपको ये पैक अपने बालों में अच्छे से पूरी तरीके से लगाना है। ठीक है, स्कैल्प में लगाना, अगर ज़्यादा बन गया है आपका तो आप लोग लेंथ में भी लगा सकते हो इसको, पर आप जितनी अच्छे से इसे स्कैल्प में लगाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी मसाला तो इतना ही है अपने पास, ज़्यादा है नहीं। अपन किसी ने ज़्यादा डाला है तो वो 2-3 बार के लिए इस पैक को कर सकता है। ठीक है, और 2 घंटे के लिए आप इसे लगा के रखिए, और 2 घंटे के बाद में आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हो, चाहे धुले हुए बालों में आप लगा रहे हो, चाहे ऑयलिंग वाले बालों में लगा रहे हो। अगर आप ऑयलिंग वाले बालों में लगा रहे हो तो आप अच्छे से मतलब 1 से 2 बार शैम्पू कर सकते हो। अगर धुले हुए बालों में लगा रहे हैं तो आप प्लीज़ 1 ही बार शैम्पू करना, 2 बार नहीं करना, नहीं तो बाल ज़्यादा भी रफ हो जाता है। ठीक है, अभी मेरा तबीयत सही नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हो आँखों में सूजन भी आ रहा है और गला भी पकड़ा पकड़ा सा है, पर फिर भी मैं ठीक हूँ, बहुत हद तक ठीक हूँ। और जितनी सारी दीदियों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया, मेरी तबीयत के बारे में पूछा, और सच्ची में बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने पूछा, इतना प्यार से पूछा, तो थैंक यू सो मच। और मेरा इतना मतलब मेरे को बहुत सी दीदी ने ऐसे बोला, दीदी कोई बात नहीं, आप वीडियो मत डालो और अपना मतलब तबीयत का ख्याल रखो, तो सच्ची में अपने लोग भी नहीं पूछते हैं जितना आप लोग मेरे से पूछते हो, क्योंकि अपने लोगों का तो इतना सहारा होता भी नहीं है जितना आप लोगों का होता है। मैं जितना आप लोगों से कनेक्ट हूँ ना, उतना तो मेरी शायद मैं मतलब मेरी ऐसी दीदियाँ मतलब ऐसे यूट्यूब में इतनी तो मैं दिल से कनेक्ट हूँ उन लोगों के साथ में, जितना मैं मेरी फैमिली में भी नहीं हूँ इतना कनेक्ट जितना आप लोगों से कनेक्ट हूँ, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। जैसे बाहर भी ना कहीं पे जाती हूँ ना किसी से ज़्यादा बात करती हूँ, मेरे बाहर भी कोई फ्रेंड नहीं है इतना जितना मैं मेरे जितने भी फ्रेंड हैं ना बस यही हैं यूट्यूब वाले, बाहर कहीं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, और ज़्यादातर मैं अगर बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड से करती हूँ, और तो मैं किसी से नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं मैं तो। और बस आप लोगों का ये है, जितना है मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी थोड़ी तबीयत सही हुई है, फिर भी डॉक्टर ने मेरे को मतलब ऐसे अभी सर्दी जुकाम है ना, तो पैक के लिए तो इसलिए आप पैक के लिए मना थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली, पर अभी थोड़ा सही हूँ तो इसलिए अभी वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो ये पूरा लग चुका है और लगने के बाद में हमें इसे 2 घंटे के लिए प्रॉपर रखना है। अगर आप लोगों का ज़्यादा बन जाता है तो 2 हफ्ते इसे लगाइए, 3 हफ्ते लगाइए, ठीक है। पूरा जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक आप कोई और दूसरा पैक ना लगाएं, ठीक है। और हाँ, बालों को घना मोटा करने के लिए मैंने एक पैक बताया था, मैं अभी लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर, तो मैंने एक पैक बताया था आप लोगों के लिए। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आरवीदेव शर्मा के नाम से, तो उसमें मैंने बताया था ग्रीन टी, अपना ब्लैक टी और मेथी। आपको ग्रीन टी लेना है, ब्लैक टी लेना है, उसको अच्छे से उबालना है और उबालने के बाद में उसको छानना है पानी को, ठीक है। पानी छानने के बाद में आपको उसमें मेथी भिजो कर रखनी है एक नाइट के लिए, फिर आप उसे उबालिए, या आप पहले उबाल लीजिए फिर एक नाइट के लिए भिजो कर रखिए और फिर आप उसे पीसिए और धुले हुए बालों में लगाइए या ऑयलिंग वाले बालों में लगाइए, ठीक है। धुले हुए बालों में लगाते हो तो आपको एक बार शैम्पू करना है, और अगर आप ऑयलिंग वाले बालों में लगाते हो तो आपको अच्छे से 2 बार शैम्पू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पैक बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए और बालों को घना मोटा करने के लिए। ये शिवानी ने मेरे से पूछा था, दीदी कैसे बनाना, इस तरीके से बनाना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। और इसी का पानी आप छान करके हेयर प्रोटीन के थ्रू आप लगा सकते हो पैक लगाने से पहले, ठीक है। ग्रीन टी और ब्लैक टी का पानी और मेथी का, जब आप उबालते हो तो उसी पानी को छान लीजिए थोड़ा सा और उसको आप पैक लगाने से पहले लगा लीजिए, ठीक है। तब भी आपके लिए ये पैक बहुत फ़ायदा करेगा, ओके। तो वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट एंड शेयर।